हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानती सहगल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हाइलाइट्स के ऊपर है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हाइलाइट्स कैसे किया जाता है। तो मैं ईयर टू ईयर पार्टिंग में आपको बताने जा रही हूँ हाइलाइट की टेक्निक। सबसे पहले मैंने लॉरियल ब्रांड का ब्लोंडर लिया है और लॉरियल का ही 20 वॉल्यूम लिया है। दो ब्रशेस, बाउल एंड कॉम्स। हमने कुछ स्टिक्स काट के रख लिए फॉइल पेपर की, जिसमें हम लोग हेयर्स को रैप करेंगे। सबसे पहले हमने ब्लोंडर लेंगे हम लोग बाउल में। और उसमें हम लोग बिल्कुल इसके बराबर ही 20 वॉल्यूम ऐड कर देंगे। जितना भी आपको हाईलाइट करना है, जितने एरिया को, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट को लेंगे। आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक अच्छा सा टेक्सचर तैयार हो जाए लगाने के लिए, उस हिसाब से इनको मिक्स करेंगे। अगर ये ज़्यादा थिक होता है तो आप इसमें 20 वॉल्यूम और भी ऐड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बालों में ब्लीच करने का वर्क करता है, ताकि जो हमारा हेयर है उस पर से हम कलर को हटा सकें। इस तरह का टेक्सचर रखेंगे हम लोग ईयर टू ईयर पार्टिंग करके। मैं एक छोटा सेक्शन लूँगी, उस पर मैं कॉम्ब के जो बैक वाला साइड होता है उससे स्टिकिंग करूँगी। इस तरह स्टिकिंग्स को पकड़ लेंगे और हल्की सी मैं बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, ताकि रूट के ज़्यादा पास ना जाए कलर। अब मैं फॉइल पेपर को नीचे की साइड रखूँगी हेयर्स के, और फॉइल पेपर को हेयर्स के संग पकड़ते हुए हम लोग प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सब बालों में लग जाए। हम ब्रशिंग बहुत अच्छे से करेंगे इसके ऊपर, स्ट्रेट ब्रश पे चलाएंगे ताकि अंदर तक प्रोडक्ट जाए। अब मैं इस फॉइल को रैप कर दूंगी। इसी तरह सेकंड सेक्शन उठाएंगे, उस पर भी हम लोग स्टिकिंग करके फॉइल पेपर से रैप कर देंगे। इस तरह प्रोडक्ट को अच्छे से एप्लीकेशन करके हम इस फॉइल को भी बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने राइट साइड 5 सेक्शन लिया है, ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड भी 5 सेक्शन लूँगी। तो मैंने 10 स्टिक्स लगाई हैं इनके दोनों साइड। जब हम लोग बालों में ब्लोंडर की एप्लीकेशन करते हैं, तो हमको फॉइल को खोल के इसका विजुअल चेकिंग करनी होती है। ऐसा नहीं लगा के, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है इसका, हमें देखना होता है कि ये कितनी देर में प्रोडक्ट अपना वर्क कर रहा है। ये सब हेयर्स पे डिपेंड होता है। जिनके हिना ट्रीटेड होता है उन पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है प्रोडक्ट, और जिनके वर्जन हेयर होते हैं उन पर फटाफट से जो अपना काम शुरू कर देता है, तो इसलिए हमें बार बार विजुअल चेकिंग करनी होती है। इसी तरह मैंने दोनों साइड स्टिकिंग कर दी है।
अब एक स्टिक मैं बैक साइड में भी कर रही हूँ, दो स्टिक करूँगी मैं बैक साइड में भी। फॉइल पेपर की हीट से ही जो हेयर का कलर है वो अपना निकलता है, इसलिए फॉइल पेपर में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है हेयर्स को। जब तक मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ तब तक मैं एक स्टिक को खोल के भी देख रही हूँ कि उस पे से कलर गया कि नहीं गया। तो इस तरह अगर हमें लगे कलर चला गया है, आप देखिए, तो हम इन स्टिक के हेयर्स पे से एक टिश्यू की हेल्प से ब्लीच को उतार के इनको हल्का सा हम नोट बना के छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें इन हेयर्स के ऊपर हेयर कलर एप्लीकेशन और करनी है ताकि हमारा जो हेयर है वो ब्लीच से ड्राई ना हो। इस तरह हम लोग सारी स्टिक्स को चेक करेंगे और उनके ऊपर से प्रोडक्ट को हटाते जाएंगे। अब मैं इन पे कलर करने के लिए मैजरल ब्रांड की 8.3 ट्यूब ले रही हूँ, जिसमें मैं 20 वॉल्यूम के संग मिक्स करूँगी। अब जिन हेयर्स पे हाईलाइट हो चुका है उन पे हम लोग इसको अच्छे से लगा के मल्सीफाई करेंगे कलर को।
अब हम इस कलर को बालों में 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे लगाकर। 20 मिनट के बाद मैं इनको अच्छे से वॉश करके निकाल दूंगी। अब हम लोग बालों में ब्रशिंग करेंगे और ड्रायर करेंगे। अब देखिए हमारा कलर हो चुका हुआ है, स्टिक्स भी आपको विजिबल हो रही होंगी कि स्टिक्स आई हैं बालों में। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।